तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्री कृष्ण भगवान का त्यौहार मना रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं, और श्री कृष्ण जी के लिए हम सुंदर सा झूला बनाने की आज हम कोशिश कर रहे हैं और उनको सुंदर सा झूला में हम झुलाने की कोशिश करेंगे। तो श्री कृष्ण जी हम अपने हाथों से खुद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि हमने मार्केट से क्ले लाए हैं, और जो वाटरप्रूफ क्ले मिलता है उसको हमने मार्केट से लाया है और श्री कृष्ण जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का कृपा होगा तो जरूर बन पाएंगे। छोटा सा श्री कृष्ण जी हम बना रहे हैं, किशन कन्हैया, तो देखते हैं बन पाते हैं कि नहीं पाते। और हमने झूला भी वायर से तैयार किया हुआ है और बना रहे हैं, और इनके लिए बहुत सुंदर सा जगह हमने तय किया है जहाँ श्री कृष्ण भगवान झूला झूलेंगे। तो आगे वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि हम श्री कृष्ण जी को कौन सी जगह में झूला व्यवस्था हमने किया है। आगे बहुत ही मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेगा आप लोग को, तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखिएगा। और हम धीरे धीरे श्री कृष्ण जी भगवान बना रहे हैं। रात का वक्त था दोस्तों, रात में हमने इसको बनाया है इनको, तो बहुत वक्त हो चुका था बनाते बनाते, और बहुत छोटे से श्री कृष्ण जी हम बना रहे हैं, तो छोटा मूर्ति बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है और फाइन नहीं बन पाता उतने अच्छे से, क्योंकि हमारा हाथ बहुत बड़ा हो जाता है बनाने में। तो हमने ये औजारों का यूज़ करके बनाने की कोशिश किए हैं, और लगभग श्री कृष्ण जी तैयार हो चुके हैं और हम फिनिशिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब झूला को भी हम धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से सजाने की कोशिश करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आगे कि हम, आप देखेंगे कि इनको हम कहाँ झुलाने झूले में कहाँ झुलाएंगे। और आप ये अगरबत्ती का टुकड़ा हमने लिया है और ये बांसुरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके कमर पे बांसुरी हमने फंसा रखा है क्योंकि ये झूला झूलने वाले हैं तो हाथ में तो पकड़ नहीं सकते बांसुरी को, तो इसलिए हमने कमर पे लटका रखा है। अब हम इनका हार बना रहे हैं, धीरे धीरे झूला को सजा रहे हैं। अब पुराने जो राखी था उससे भी हम झूला को सजाए हैं। वक्त आ चुका है पेंट करने का। हमने फैब्रिक कलर यूज़ किया है और सबसे पहले वाइट कलर को सभी तरफ पोताई की है। वाइट कलर को पोताई करने से ये होता है कि जो बाकी कलर उभर के आता है, कलर अच्छा से लगता है, इसलिए हमने वाइट कलर पहले किए। अब उनका बॉडी का कलर हम कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि श्री कृष्ण जी सांवले कलर के थे, तो हल्का सा ब्लू कलर और वाइट कलर मिक्स करके हमने उनके शरीर में बॉडी में पेंट किया है। उसके बाद हम उनके बाल को काला कलर और होंठ हमने तैयार किया, और धीरे धीरे सारे चीज़ हम डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं छोटे से ब्रश की सहायता से। और मोर का पंख भी हमने क्ले से ही तैयार किए हैं, और मोर का पंख भी हम पेंट कर रहे हैं। बहुत छोटा सा था तो बहुत देर में बना, मतलब धीरे धीरे बनाते चले, तो लगभग भगवान श्री कृष्ण जी तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे झूला के लिए हमने जो पुराना राखी का कुछ टुकड़ा था उससे हमने झूला को भी सजाया है, और ये आप देख रहे हैं बांसुरी तैयार हो रहा है। हाँ, बांसुरी तैयार हो चुका है और ये लगेगा कमर के पास हमने लगा दिए। बहुत बढ़िया। और ये अब श्री कृष्ण जी भगवान झूला झूलने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट दिन, ये अगले दिन झूला झूलेंगे। तो रात हो चुका था, रात में हमने सूखने के लिए रख दिए, और उसके बाद एक सुंदर सा जगह हम कल दिखाने वाले हैं। और नए, ये देखिए, ये है हमारा बोनसाई का ट्री है, मिनी बरगद। यहाँ पे हम श्री कृष्ण जी भगवान के लिए झूला तैयार किए हुए हैं। देखिए कितना मज़ेदार जगह है और कितना हरियाली नज़र आ रहा है। एक सुंदर सा पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी भगवान झूला झूलते अभी नज़र आएंगे। हल्का सा बारिश होने वाला है, यहाँ बारिश हो रही है और श्री कृष्ण जी भगवान कितना सुंदर से झूले झूल रहे हैं। आनंद ही आनंद है, बहुत ही बनाने में भी मज़ा आ गया और देखने के बाद और बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, क्योंकि हमने हाथों से बनाया है सारे चीज़ों को,
ये बोनसाई का पेड़ आप देख रहे हैं, इसको भी हमने अपने हाथों से तैयार किया है। काफ़ी वक्त लग चुका है इसमें बनाने में, 5 साल के लगभग। तो बहुत मज़ा आया आज श्री जन्माष्टमी के दिन में, हमने श्री कृष्ण जी भगवान को ऐसा पेड़ के नीचे सेटअप किया झूला, और कितना सुंदर रूप से झूला झुलाए हैं। तो हम कुछ कुछ अन्य वीडियो लेके आते रहते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। हम कुछ खास वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहते हैं, तो चैनल में बने रहिएगा। और हम गार्डनिंग आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी का कुछ कुछ वीडियो लेके आते रहते हैं, और अपने फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड सर्कल में। तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।